अलैक्म रेस्टूरेंट्स एम सी एम सिक्स नाइन जेन की सेकेंड असाइनमेंट आ चुकी है जो कि आपके रिवाइज uh, प्रपोज़ल के हवाले से है बेसिकली आपका प्रोजेक्ट है तो इसमें आपको पहले ये करना होता है कि आपको पहले अपना प्रपोज़ल सबमिट करवाना होता है ठीक है प्रपोज़ल अप्रोवल के बाद आपका जो सेकेंड स्टेप आता है वो प्रोजेक्ट का होता है तो जिन स्टूडेंट्स का प्रपोजल अप्रूव नहीं होता तो वो प्रोजेक्ट भी नहीं कर सकते ठीक है तो इसमें असाइनमेंट नंबर टू भी जो है वो आपके प्रपोज़ल के हवाले से है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट प्रपोज़ल जो है वो अप्रूव नहीं होता या फिर उनकी मिस्टेक्स होती हैं को दोबारा से उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपना प्रपोजल अगेन सबमिट करवाना होता है इस सेकेंड असाइनमेंट में ठीक है तो ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स का प्रपोजल अप्रूव नहीं हुआ या फिर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ठीक है तो इसमें बेसिकली आपको करना ये होता है कि आपको चूँकि uh, आप मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं ठीक है आपके फील्ड जो है वो मैथ कम्युनिकेशन है तो इसमें आपको uh, मैथ कम्युनिकेशन के फील्ड में अपना टॉपिक सिलेक्ट करना होता है प्रोजेक्ट के लिए इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से को कोई कोई टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के हवाले से सेलेक्ट कर सकते हैं मेजोरिटी uh, स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक होती है कि जी उनको पता नहीं होता हमने प्रपोजल बनाना कैसे है हमने टॉपिक सिलेक्शन कैसे करनी है तो मैंने आपको लास्ट वाली असाइनमेंट में भी गाइड किया था कि इस असाइनमेंट में आपको uh, uh, जो टॉपिक सिलेक्शन करनी है वो चंद बातों को मद्देनजर रख के करनी है एज लाइक like, uh, इसमें सबसे पहले आपने देखना है आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है इसमें फेनोमिना है या नहीं है ठीक है फेनोमिना के आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करने जा रहे हैं या फिर आप उसका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं या आप उसका एनालिसिस करना चाहते हैं ठीक है तो ये फेनोमिना आपने देखना है फिर आपने देखना है कि जी आपने जो वेरिएबल्स लिए हैं वो मैरेबल हैं या नहीं है मैक्सिमम आपके जो वेरिएबल्स होने चाहिए एक वेरिएबल भी हो सकता है दो से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं ठीक है उसके बाद जो मेन पार्ट आता है आपका जो थर्ड मेन पार्ट है वो है जी आपका सब्जेक्ट टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त आपने देखना है कि जो आप अपनी स्टडी जो है वो किस पे कंडक्ट करने जा रहे हैं आप किस पे रिसर्च करना जा रहे हैं ठीक है फोर्थ पार्ट जो है वो आपकी पॉपुलेशन का पार्ट आ जाता है ठीक है कि आपकी जो पॉपुलेशन है आपकी जो रिसर्च स्टडी है उसकी पॉपुलेशन क्या होगी तो टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त आपको इन चार बातों को मद्देनजर रखना है जब आपका टॉपिक वैलिड नहीं होता तो आपका जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है मेजोरिटी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि जी हमने प्रपोजल बनाना कैसे उनको इसकी समझ ही नहीं होती कि जी ये है क्या ठीक है तो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं ये आपका थीसिस है आपका प्रोजेक्ट है तो ये जो आप के असाइनमेंट्स आ रही हैं प्रपोजल के हवाले से यह आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल है जिसपे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे पहले आपने बताना है कि जी आ, मेरा टॉपिक ये होगा मैं इसमें मेरी स्टडी जो है इस टाइप की होगी तो प्रपोज़ल अप्रूवल के बाद ही आप अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिस स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स का प्रपोजल फेल हो जाएगा वो स्टूडेंट ख़ुद को फेल समझे ठीक है आपको फिर एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ता है तो सो बी केयरफुल एंड टेक इट सीरियस तो टॉपिक सिलेक्शन के बाद आ, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जी आ, उन्होंने फर्स्ट असाइनमेंट में जो सबमिट करवाया कुछ स्टूडेंट्स का तो प्रपोजल होता ही ठीक नहीं है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होता ही नहीं है उन्होंने एक जस्ट टॉपिक लेके उस पर पैराग्राफ लिख के अपने सुपरवाइजर को सबमिट करवा देते हैं तो ये भी रॉन्ग है कुछ uh, स्टूडेंट्स को टॉपिक सिलेक्शन करनी नहीं आती कुछ स्टूडेंट्स को कंप्लीट प्रपोजल ही नहीं बनाना आता उनको समझ बूझ नहीं होती कि ये हम इसमें करना क्या है ठीक है कोई उनको समझ नहीं होती तो इसलिए वो फेल हो जाते हैं और एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाते हैं तो सबसे पहले आपने इसमें करना ये है एक अच्छा प्रपोजल बनाने के लिए आपको अपना टॉपिक सिलेक्शन पे फोकस करना है पहले अगर आपने टॉपिक सिलेक्शन कर ली है अच्छे से उसके बाद आपने आना है जो भी आपको फॉर्मेट दिया गया है ये आपको जो फॉर्मेट दिया गया है इस फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है ठीक है अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये है सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है 500 हंड्रेड टू सिक्स वर्ड्स का यानी कि मैक्सिमम इसमें आपके दो या डेढ़ पेजेस का इंट्रोडक्शन होना चाहिए किस हवाले से आपके टॉपिक के हवाले से जो आपने टॉपिक लिया है आपने उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है आपने बताना है कि जिसमें मेरे वेरिएबल्स कौन से हैं मैं इसमें क्या सर्च करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ ठीक है इसमें मेरा मकसद क्या है इसमें अपने रैशनल देना है उसको <coughs> एक्सप्लेन करना है अपने टॉपिक को सेकंड थिंग जो आपने करनी है वो है लिटरेचर रिव्यू आप टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपने करना क्या है आपने एक टॉपिक लिया उसको सिलेक्ट कर लिया ठीक है उसके बाद जी आपने देखना है क्या इस पे ऑलरेडी स्टडी अवेलेबल है क्या इस पे लिटरेचर uh, अवेलेबल है इस पे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं ठीक है अगर आप ये पहले से इस पे सर्च कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट में मैक्सिमम आपके जो लिटरेचर रिव्यू के पेजेस होने चाहिए वो पेजेस जो हैं मैक्सिमम ट्वेंटी पेजेस होने चाहिए ट्वेंटी टू फाइव पेजेस का आपका लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए तो जब स्टूडेंट्स इस तरह से टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त तो इस परिसर्च नहीं करते या इस पर आर्टिकल्स फाइंड आउट नहीं करते तो फिर उनको जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो इसलिए आपने टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त आपने जो वेरिएबल्स लिए उस पर देखना है कि इस पर ऑलरेडी स्टडी हुई है या नहीं हुई इस पे आर्टिकल्स हैं या नहीं हैं ठीक है पार्ट जो है यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें लिटरेचर रिव्यू आपने देखना है मैक्सिमम टू से थ्री पेजेस का ठीक है जो आपके वेरिएबल से रिलेटेड हो जो आपके स्टडी से रिलेटेड हो ठीक है तो नेक्स्ट uh, जो आपका थर्ड चैप्टर आ जाता है अच्छा जी आप आपने लिटरेचर लिख लिया उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं ठीक है आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं जो मैरेबल हो यूजिंग एक्शन वर्ब्स एक्शन वर्ब आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपको तो आइडिया हो जाएगा कि हम अपने उब, आ, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कैसे डिजाइन कर सकते हैं ठीक है तो इसमें आपने एज लाइक एक्शन वर्ब यूज करना है टू आइडेंटिफाई टू सी द रिलेशनशिप इस तरह से ठीक है उसके बाद जो है वो हाइपोथेसिस आपने बनाने हैं अगर आपके लिए हाइपोथेसिस बनाना आसान है तो आप हाइपोथेसिस बना लें अगर रिसर्च क्वेश्चंस बनाना आसान है तो आप रिसर्च क्वेश्चंस बना लें लेकिन आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चंस डिजाइन करते वक्त कि आपके ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन जो हैं वो अलाइनमेंट हों विद द रिसर्च टॉपिक ठीक है अगर इन तीनों में अलाइनमेंट होगी तो फिर ही आपके जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स अच्छे बन सकते हैं रिसर्च क्वेश्चंस अच्छे बन सकते हैं उसके बाद ये आपका जो थर्ड चैप्टर है ना वो आपका रिसर्च मेथडोलॉजी के हवाले से है लेकिन यहाँ प्रपोजल में आपको बताना है कि जी आपका जो आपकी जो टाइप ऑफ स्टडी है क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी सैम्पल साइज़ आप इसमें डिटरमिन करेंगे अपनी सैंपलिंग टेक्निक बताएंगे कि जी आपने जो सैंपल लिया है वो किस टेक्निक को फॉलो करते हुए आपने सैम्पल लिया एज लाइक कन्वीनियंट है परपसिव है अगर आप एक वो आ, मीडिया uh, पे कर रहे हैं तो उसमें आप स्पेसिफाई करेंगे जी मैंने कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो फॉलो किया टाइम पीरियड है कितना कितना आपको चाहिए होगा कितना होगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेटा कलेक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसके बाद जी आपने ये जब सब, सब स्टेप कर लिए उसके बाद आपका जो मेन स्टेप आता है क्वेश्चनर का अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है इन द केस ऑफ सर्वे और इंटरव्यू गाइड इन केस ऑफ इंटरव्यू अगर आपकी स्टडी जो है वो क्वालिटेटिव है तो ऑबली वो आप इंटरव्यू के थ्रू अपना डाटा कलेक्शन करेंगे अगर आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी है तो आप जो है वो क्वेश्चनर अपने वेरिएबल्स पे अपने ऑब्जेक्टिव्स uh, पे अपने रिसर्च क्वेश्चन जो है वो डेवलप करेंगे अच्छा जी इसके बाद जो है ये जो असाइनमेंट टू है ये कंपल्सरी है ठीक है जिन स्टूडेंट्स का अप्रूव हो चुका है जिन स्टूडेंट्स को कमेंट्स दिए गए हैं या जो फेल हुए हैं उनके लिए ये असाइनमेंट कंपलसरी अगर आपने इस सब्जेक्ट को पास करना है तो इसमें यह कहा गया है कि सिर्फ आपको आ, इस प्रपोजल में सिर्फ टॉपिक ही आपको सबमिट नहीं करवाना बल्कि आपको एक फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अपना कंप्लीट प्रपोजल जो है वो सबमिट करवाना है ये आपका फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने कंप्लीट प्रपोजल जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उस पर सबमिट करवाएंगे और इसमें लिए ये लिखा हुआ है कि जो वैलिड प्रपोजल होगा जो आपके इंस्ट्रक्टर ने आपके सुपरवाइज़र ने अप्रूव किया होगा सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनल प्रोजेक्ट के लिए उस उनको अलाउ किया जाएगा लेकिन जो स्टूडेंट्स फ़ेल होंगे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा ठीक है और जो प्रपोज़ल है वो स्ट्रिक्टली जो है वो जो भी फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हो ठीक है और प्लेजरिज्म जो है ये नहीं कि आपने कॉपी पेस्ट करना है प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए क्योंकि ये टर्निटिन के थ्रू चेक करते हैं इनको सारा आ, अगर आप कॉपी पेस्ट भी करते हैं इनको पता चल जाता है सो बी केयरफुल आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना अगर कोई स्टूडेंट अपना पेड बेसिस पे प्रोजेक्ट हैंडल करवाना चाहता है या प्रपोजल बनवाना चाहता है या आपका जो प्रपोजल है वो फेल हो चुका है रिजेक्ट हो गया है तो भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर द सोलूशन ऑन पेड बेसिस थैंक यू एंड